नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर में आईपीएल सटोरियों पर लगातार कार्यवाही क्राइम ब्रांच द्वारा की जा रही है और इसी के तहत शिवपुरी से पढ़ाई करने के लिए आए छात्र मास्टर आईटी के माध्यम से संचालित कर रहे थे आईपीएल का सट्टा। शिवपुरी से सुपर आईटी से बनाई थी कई मास्टर आईडिया बड़ा दोनों युवकों से पुलिस पूछताछ में जुटी है। पूरे मामले में जानकारी देते हुए एडिशनल डीसीपी राजेश डंडोटिया द्वारा बताया गया है कि शिवपुरी के रहने वाले विपिन और राहुल नामक युवक को पकड़ा गया है। बताया जा रहा है कि दोनों युवक शिवपुरी से पढ़ाई करने के लिए इंदौर में आए थे और फिर अवैध रूप से सट्टे के अपराध में पड़ गए थे। बताया जा रहा है कि शिवपुरी के रहने वाला व्यक्ति द्वारा सुपर ईथ के माध्यम से मास्टर आईडी बनाकर इन युवकों को दी गई थी और फिर इन्हीं युवकों द्वारा अन्य लोगों को आईडी बनाकर दी गई थी। इन्हीं ऑडियो के माध्यम से आईपीएल का सट्टा शहर के विभिन्न क्षेत्रों में संचालित हो रहा है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले में पकड़े गए दोनों युवकों से पूछताछ कर रही है। इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में लगातार जो इस समय आईपीएल चल रहा है उसमें ऑनलाइन गैम्बलिंग की शिकायतें आ रही थी, जिस पर से क्राइम ब्रांच और इंदौर पुलिस कमिश्नरेट के सभी थानों के द्वारा प्रभावी कार्रवाई की जा रही है आईपीएल के सट्टे को देखते हुए। इसी तारतम्य में भवरकुआ थाना क्षेत्र में क्राइम ब्रांच और भवरकुआ की टीम ने मिलकर एक कार्रवाई की है, जिसमें दो आरोपियों को हिरासत में लिया है, जिसमें एक विपिन और एक राहुल। विपिन धाकड़, दोनों ही शिवपुरी के रहने वाले हैं। ये वेबसाइट के माध्यम से लिंक जो ऑनलाइन आईडी और पासवर्ड बनाते थे, इनके पास एक लिंक आती थी, ऑनलाइन लिंक और लिंक के माध्यम से आईडी पासवर्ड अपने क्लाइंट्स को देते थे। फिलहाल इनके जो मोबाइल में 5 आईडी और पासवर्ड मिले हैं जिनके ऑनलाइन लिंक के माध्यम से इनके द्वारा इसको क्रिएट किया गया है। इसकी जो सुपर आईडी शिवपुरी के किसी व्यक्ति के पास से लेना है, उन्होंने बताया है, जबकि इनके स्वयं के पास मास्टर आईडी है। तो न केवल ये जो चेन्नई वर्सेज मुंबई का जो मैच चल रहा था उसमें सट्टा खिला रहे थे, बल्कि इसके अलावा आईडी और पासवर्ड भी वेबसाइट के माध्यम से ऑनलाइन लिंक के माध्यम से बनाकर अपने क्लाइंट्स को दे रहे थे। इसमें फिलहाल 3/4 गैम्बलिंग एक्ट के तहत केस रजिस्टर कर लिया गया है। इसमें ये बात सामने आई है कि इसमें जो सट्टेबाज है वो यहाँ स्टडी करने के लिए शिवपुरी से आया था, लेकिन वो इस तरह की आईडी बनाने लगा है। तो फिलहाल इसमें केस रजिस्टर किया जाकर इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है। इन्वेस्टिगेशन में आए हुए तथ्यों के आधार पर वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल करोड़ों का लेन देन का हिसाब किताब जो मोबाइल में ट्रांजेक्शन मिला है तो उसकी भी जांच कर रहे हैं। कहाँ पर चल रहा था, कोई फ्लैट में चल रहा था? जैसा कि मैंने बताया, ये बेसिकली मैन मोबाइल में घूम कर ही चलाते थे ये दोनों, और चूंकि आईडी और पासवर्ड का इनका मेन काम था, जो कि क्लाइंट्स को आईडी पासवर्ड ऑनलाइन बैंक के जरिए ऑनलाइन जो लिंक के जरिए क्रिएट किया जाकर उनको सप्लाई करने का काम करते थे। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट टीवी पर लाइव प्ले स्टोर से डाउनलोड करें टाइम स्मार्ट टीवी ऐप।